आज हम डिवेंचर्स में परचेज ऑफ बिजनेस के बारे में बात करेंगे, गुडविल के बारे में बात करेंगे और कैपिटल रिजर्व के बारे में बात करेंगे और डिवेंचर्स इश्यूड एट पार प्रीमियम और एट डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल एट पार के बारे में बात करेंगे और यहां पे एक क्वेश्चन लिया है, एचआर लिमिटेड परचेज बिल्डिंग और पेज 5 लाख एंड क्रेडिट और पेज 50,000 फ्रॉम एसके लिमिटेड। हमने क्या किया, एचआर में एक बिल्डिंग खरीदी, कितने की खरीदी, 5 लाख रुपए की, और क्रेडिटर कितने हैं, 50,000 के। फिर कहते हैं फॉर कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 6 लाख, हमने कितना बोला उसको, कितने पैसे देंगे, 6 लाख रुपए। इट इशूड 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है कि गुडविल कितने, जहां कैपिटल रिजर्व, जहां तो गुडविल आएगी जहां कैपिटल रिजर्व। अब हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो आज हमने सबसे पहले वही सीखना है। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट और टू एसके लिमिटेड अकाउंट। सबसे पहले हमने बिल्डिंग की अमाउंट देखी कितनी आ गई, 5 लाख, और क्रेडिटर कितने थे हमारे पास, 50,000, और परचेज कंसीडरेशन कितनी थी, 6 लाख। आपने क्या करना है, एसेट्स को डेबिट किया और जितनी लाइबिलिटीज और परचेज कंसीडरेशन वो कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में। अब आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस, अगर डेबिट साइड का टोटल कम है और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हमारे पास आएगा गुडविल, और यहां पे लिखेंगे बैलेंस इन फिगर और ये आ गया डेबिट। कितना आ गया, 6,50,000 माइनस 5 लाख, तो यहां पे कितना आ गया, 1,50,000। तो गुडविल कितनी आ गई हमारे पास, 1,50,000। तो मैंने क्या बोला, अगर हमारी एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज प्लस परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है तो हमारी गुडविल आएगी, अगर हमारी एसेट्स ज्यादा है और ये लाइबिलिटीज प्लस परचेज कंसिडरेशन कम है तब यहां पे कैपिटल रिजर्व आएगा। इसके लिए हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अब इसने क्या बोला, इसके बदले में क्या इश्यू किया, 10% डिवेंचर और रुपीज 100 ईच एट पार। डिवेंचर कैसे इश्यू किए, एट पार पे, तो हमने क्या लिखना है, एसके लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया, 6 लाख, 6 लाख, और नरेशन लिख देंगे बीइंग नंबर ऑफ डिवेंचर 6 लाख डिवाइडेड बाय 100। एक डिवेंचर की कॉस्ट कितनी थी, 100, 20, 20, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आ गए, 6,000, बीइंग 6,000 डिवेंचर्स इशूड एट पार। तो ये आगे सबसे पहले परचेज ऑफ बिजनेस, गुडविल के बारे में बात की और डिवेंचर एट पार के बारे में। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे कैपिटल रिजर्व और डिस्काउंट के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे कैपिटल रिजर्व और डिस्काउंट के बारे में। सबसे पहले हमने बात की गुडविल के बारे में और डिवेंचर इश्यूड एट पार के बारे में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्काउंट और कैपिटल रिजर्व। यहां पे कहता है एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ रुपीज 4 लाख, एसेट्स कितने की खरीदी हमने, 4 लाख की, तो हमने क्या लिखा यहां पे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, 4 लाख, एंड टू कवर द लाइबिलिटी और रुपीज 90,000, तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटीज कितनी हमारे पास, 90,000 के बारे में बात की, ऑफ वाई कंपनी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन और रुपीज 2,70,000, परचेज कंसीडरेशन कितनी की आ गई हमारे पास, 2,70,000, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2Y लिमिटेड, अमाउंट कितनी आ गई, 2,70,000। अब ये कहता है द कंपनी इशू डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट, कंपनी ने इशू क्या किया 10% डिस्काउंट पे फॉर परचेज कंसीडरेशन, ये बोला उसने। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया,
एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वाई लिमिटेड अकाउंट। अब ये एसेट्स वाली साइड बड़ी है और लायबिलिटी वाली साइड छोटी है, यहां पे कितना आ गया 4 लाख और यहां पे कितना आ गया 3,60,000। ये 40,000 कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और यहां पे मैंने क्या लिखा, बैलेंस इन फिगर। अगर एसेट्स साइड बड़ी होगी और लायबिलिटी साइड छोटी होगी तो यहां पे क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। अब इसके बदले में हमने क्या दिया था, द कंपनी इशूड डिवेंचर्स एट 10% डिस्काउंट, द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज रुपीज 100। कहता जो डिवेंचर की कॉस्ट कितनी है 100। अब हमने क्या लिखना था यहां पे, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिवेंचर हमने डिस्काउंट पे इशू किए कितने परसेंट, 10% मींस 100 × 10/100, तो डिस्काउंट कितना आ गया हमारे पास 10। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। यहां पे हमने परचेज कंसीडरेशन कितनी देनी थी, 2,70,000। डिस्काउंट कितना आएगा, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 90। ये 90 कहां से आया, 100 में से 10 डिस्काउंट किया तो कितने का आया डिवेंचर्स 90,00,93। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स फाइंड आउट किए, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आ गए 3,000। तो 3,000 × 10 डिस्काउंट कितना आ गया यहां पे 30,000 और यहां पे 3,000 × 100 अमाउंट कितना आ गया यहां पे 3,00,000। ये हमने क्या सीखा, कैपिटल रिजर्व और डिस्काउंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रीमियम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिवेंचर्स में गुडविल या कैपिटल रिजर्व प्लस इशूड एट प्रीमियम के बारे में। थर्ड टॉपिक क्या आएगा, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है, एबीसी लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ रुपीज 5,80,000। तो हमारे पास क्या आ गया, एसेट्स अकाउंट डेबिट अमाउंट कितनी आ गई भाई 5,80,000 यहां तक आ गया। एंड क्रेडिटर ऑफ 55,000, तो यहां पे क्या लिखा हमने, टू क्रेडिटर्स अकाउंट अमाउंट कितना आ गया भाई 55,000 यहां तक आ गया। फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 5,50,000, परचेज कंसिडरेशन कितने की थी 5,50,000, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू एक्स वाई जेड लिमिटेड अमाउंट कितना आ गया 5,50,000। अब हमने फाइंड आउट करना था कि इन दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है। हमने देखा लायबिलिटी साइड बड़ी है और एसेट साइड छोटी है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, गुडविल। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, अगर एसेट्स डेबिट साइड छोटी होगी और क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो यहां पे क्या आएगा, गुडविल अकाउंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, गुडविल। गुडविल कितनी आ गई 6,25,000 माइनस 5,80,000, तो गुडविल कितनी आ गई हमारे पास 25,000। तो ये आ गया सबसे पहले फर्स्ट एंट्री जब हमने परचेज किया। अब इसने बोला था इट इशूड 5,000 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 एट 10% प्रीमियम। हमने जो डिवेंचर इशू किए वो 10% प्रीमियम पे किया, दैट मींस क्या हो गया, यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट हमने कितना पे करना था 5,50,000, ठीक है। एक डिवेंचर की कॉस्ट कितनी थी 100 और प्रीमियम कितना था 10, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 110। तो यहां पे क्या आ गया 5,000 × 100 अमाउंट कितना आ गया 5,00,000 5,000 × 10 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ गया हमारे पास 50,000। नरेशन क्या आएगी, बीइंग 5,000 10% डिवेंचर्स
इश्यूड एट 10% प्रीमियम। तो इसमें आज हमने सीखा डिवेंचर्स इश्यूड एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट, और साथ में क्या सीखा हमने, परचेज कंसिडरेशन में गुडविल और कैपिटल रिजर्व। Like a Hellcat.